हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बड़ा नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट्स अभी जून 2020 टामेट एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर करना चाहते थे, दोस्तों जैसा कि आपको मालूम था, आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए और आपके एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए 15 जून की लास्ट डेट दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियो में यही बताया था कि आपकी लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जा सकता है। और दोस्तों, अभी इग्नू की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें यह बताया गया है कि आपकी लास्ट डेट को अभी एक्सटेंड कर दिया गया। दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को 15 जून को, मतलब दोस्तों आज ही इसे साइन किया गया है। यहां पे दोस्तों बताया गया है कि आपकी जो लास्ट डेट थी उसे अभी एक्सटेंड करके 30 जून तक कर दिया गया। सो दोस्तों, इसके लिए मेजर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। इनमें सबसे पहले वाले पॉइंट में बताया गया है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में। आप जो अपना ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हैं उसकी लास्ट डेट भी 30 जून तक बढ़ा दी गई है। और यहाँ पे दोस्तों क्लियरली मेंशन किया गया है विदाउट लेट फीस, मतलब आपको अपने एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए अभी कोई भी लेट फीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, सेकेंड पॉइंट में दिया गया है आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए, या तो आप ऑनलाइन अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं या फिर फिजिकल सबमिशन, मतलब आप अपने स्टडी सेंटर्स पर भी जाके जमा करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके एरिया में आपके स्टडी सेंटर्स ओपन हो रहे हैं तो वहां पे जाके आप अपने असाइनमेंट्स फिजिकली भी जमा करवा सकते हैं। सो दोस्तों, उसके लिए भी अभी 30 जून लास्ट डेट दी गई है। दोस्तों, थर्ड पॉइंट में दिया गया है कि आप में से जिन भी स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होते हैं या फील्ड जर्नल या फिर डिसर्टेशन या इंटर्नशिप, सो दोस्तों इसके लिए भी अभी आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन 30 जून तक जमा करवा सकते हैं। सो दोस्तों, ये अभी इस वक्त के लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने असाइनमेंट्स जमा नहीं किए हैं या आपने अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया है, वो सभी स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी करवा लीजिए। क्योंकि दोस्तों, अभी जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से जो सिचुएशन ख़राब हुई है, ऐसे केस में अगर इग्नू बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह आपको अगर प्रमोट करती है तो उसके लिए आपको अपने असाइनमेंट जमा करवाना ज़रूरी होगा। इसलिए दोस्तों, आप टाइम रहते अभी अपने असाइनमेंट जमा करवाना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भी फिलअप कर दीजिए। दोस्तों, ये दूसरी बात रहेगी कि इग्नू की तरफ से आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं या नहीं करवाए जाते, लेकिन आपको अपनी तरफ से अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए और अपने असाइनमेंट भी जमा करवा देना चाहिए। दोस्तों, आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने असाइनमेंट नहीं बनाए हैं, अगर आपको अपने असाइनमेंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके अपने असाइनमेंट के सॉल्यूशन PDF मुझसे परचेज कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग टिप्स गुरु।